हेलो गाइस, मैं हूँ विनीत चौधरी। एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 28 तक। जो चार लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए और अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 28 से। तो पेज नंबर 28 में के बाद में जो आज कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार मैं पहले बता देता हूँ। जैसे एक तो सीमेज के बारे में है और एक राजस्थान की पूरी जो केनाल योजना है, परियोजना है, उसको राष्ट्रीय का दर्जा दिलाने के लिए जो बात कही है तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। और जो भी राजस्थान में एक महाराणा प्रताप से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक रूमा देवी जी के बारे में इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अभी अमेरिका में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधित किया था। और तीन चार और योजनाएं वगैरह हैं या जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ पेज नंबर 28 पे। राज्य सरकार ने जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदला, ठीक है। तो इस योजना का नाम 2014 में जो राजस्थान की बीजेपी पार्टी थी तो उन्होंने इसका नाम कर दिया। पहले एक योजना थी, यह तो उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर थी, तो इनका नाम बदले गुरु गोलवेकर जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया था। अब वापस कांग्रेस सरकार आई तो इन्होंने वापस नाम चेंज करके इसका नाम क्या है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 में। अब एक तो योजना की शुरुआत कब हुई, एक इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है ग्रामीण विकास करना और जो सामुदायिक संपत्ति है गवर्नमेंट की तो उनका रख रखाव करना। ये दो चीज़ें पंचायत विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग भी ध्यान रखना है कौन से विभाग है, तो ग्रामीण विकास एंड पंचायत राज विभाग द्वारा, ठीक है। तो एक तो उद्देश्य नाम क्या है और एक कौन सा विभाग है, ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है, तो उस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है। अगला ये पेज नंबर 28 पे, तो नीरज के पवन, कौन है, नीरज के पवन, बस इतना याद रखना आपको। अब सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ है राजस्थान का जो जयपुर शहर है, गुलाबी नगर है, उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। जो यूनेस्को का प्रोग्राम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें शामिल किया गया है। इससे पहले भी राजस्थान के जो एक तो जंतर मंतर 2010 में और जो राजस्थान के किले हैं 2013 में, वो है 6 किले इसमें शामिल किए गए हैं। उसमें रणथंबोर, गागरोन जिसे जलदुर्ग भी कहा जाता है राजस्थान का, और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ और सोनार किला है जैसलमेर का वो, और आमेर किला जयपुर शामिल है। अब बात यह है इसमें कि ये वाली जो वार्षिक मीटिंग हुई थी इनकी वो कहाँ पे हुई थी, तो 43 कौन सी मीटिंग, 43वीं मीटिंग है वो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहाँ पे ये मीटिंग हुई। तो मीटिंग कौन सी थी, 43वीं, और कहाँ पे हुई, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू, तो वहाँ पे इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इससे पहले राजस्थान में 7 है, तो अब टोटल राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है, 8 हो गई है। और ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ऑड्रे एजोले। अब पानी की समस्या से संबंधित केंद्र सरकार ने 100 जिलों को शामिल करके एक योजना संचालित की है जिसमें राजस्थान के 5 जिले सम्मिलित हैं। तो अब राजस्थान के जो 5 जिले सम्मिलित हैं वो ऐसे देख सकते हैं, 2 जिले हो गए पूर्व से धौलपुर और करौली, और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ से हो गया 12, और जैसलमेर हो गया पश्चिमी राजस्थान से, और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से हो गया सिरोही, ठीक है। तो ये 5 जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण पर मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो पर्यावरण पर मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन अलवर में किया गया, और गांव कौन सा, नीम लगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीम गांव किस संदर्भ में चर्चित रहा है, तो वहां पे पर्यावरण से संबंधित एक मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, श्रीमान अशोक जी गहलोत ने भी हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, सबसे पहले महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन हर वर्ष पुरस्कार देती है महाराणा प्रताप की याद में, तो ये पुरस्कारों का संस्करण कौन सा था, तो इस ये 38वां संस्करण था, पहले तो ये ध्यान रखना है। फिर अब इसमें अलग अलग पर श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं, या जो हल्दीघाटी युद्ध में शामिल थे उनके नामों का से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड का जो पुरस्कार है वो दिया गया है नाबर्टे पीबॉडी, मतलब ये नाबर्टे था, इसने कर्नल जेम्स टोड की तरह बॉडी बनाने की कोशिश की, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसकी जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, उस पर ये अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की पुस्तक इन्होंने लिखी। अब बात है हल्दीघाटी
अलंकरण। तो हल्दी घाटी का जो पुरस्कार है नाम से वो दिया गया राज चेंगपा, कौन है तो राज चेंगपा। अब राज चेंगपा से हल्दी की एक किस्म है या एक ब्रांड आती है राज नाम से, तो हल्दी घाटी पुरस्कार किसे दिया गया राज चेंगपा। अब हकीम खां सूरी पुरस्कार, हकीम सर सूरी थे वो एक महान योद्धा थे, तो उन्होंने हकीम खां सूरी ने सबका मन मोह लिया था, तो मन हर उदास, उदास मन को भी मोह लिया, तो मन हर उदास, तो ये इनका पुरस्कार हो गया। गायक के क्षेत्र में मन हर उदास को हकीम खां सूरी पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं महाराणा उदय सिंह पुरस्कार की, तो वो देवीलाल धाकड़ को दिया गया। किसे दिया गया? देवीलाल धाकड़। और देवीलाल धाकड़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि देवता के तरह उदय सिंह जी भी एक धाकड़ आदमी थे, ठीक है। तो देखो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी नहीं तो भूल जाऊंगा एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं पन्नाध्याय, पन्नाध्याय पुरस्कार है वो पूरी नोता दत्ता बेला। तो एक ध्यान तो यह सकते पन्नाध्याय वाला इस बार जो पुरस्कार मिला उसका नाम भी पे से ही शुरू होता है, तो पूर्णोता, और ये मुंबई में एक एनजीओ चलाती है और कैंसर से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं इनका इलाज करवाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। मैं हम पेज नंबर 30 पर चले गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये ना कि आपको पता ही नहीं पड़े। अब ठीक है, पूरे राजस्थान, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन का गठन 1927 में किया गया था, और इसमें अभी राजस्थान को दो पुरस्कार मिले हैं, एक तो CBIP श्रेणी में और सहभागी सिंचाई में, ये दो पुरस्कार मिले हैं। तो अब इंदिरा गांधी परियोजना को CBIP मिला है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन का गठन 1927 में किया गया है। अब बात करते हैं पूरी राजस्थान नहर परियोजना, पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए श्रीमान अशोक जी गहलोत ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, और जो हमारे जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी शेखावत है वो जल संसाधन जो मंत्रालय है उनके अभी मंत्री हैं, तो उनको पत्र लिखा है। और इस पूरी ये मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कितने जिले शामिल हैं, तो जिले शामिल है वो है 13। अब इसमें छोटी और जो मध्यम आकार की परियोजनाएं हैं वो कितने शामिल हैं, तो 26 परियोजनाएं इसमें शामिल है। अब इसमें सिंचाई कितने क्षेत्र में होगी, तो सिंचाई होगी 2.8 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, 2.8 लाख हेक्टेयर में। अब बात करते हैं जो 13 जिले शामिल है वो कहाँ कहाँ से, कैसे याद करने हैं, तो इसका तरीका एक ही है, राजस्थान को आपको सबको पता है हाड़ौती कहाँ है, तो हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले शामिल हैं। अब बात करते हैं पूरे राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण जिले, 5 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और सवाईमाधोपुर इसमें शामिल है। फिर इसके बाद में ढूंढाड़ के जयपुर और दौसा, या जयपुर और टोंग भी आ सकते, टोंग आता है मैक्सिमम तो ढूंढाड़ में जहाँ ढूंढ नदी बहती थी, और फिर दौसा और अजमेर, ठीक है, तो ये 13 जिले इसमें शामिल है। अब बात करते हैं राजस्थान की एक एथलेटिक्स की है बंदी, तो उस बंदी को अभी ओलंपिक टिकट मिल चुका है, तो उनका नाम है भावना जाट। तो वो भावना जाट है वो राजसमंद के काबरा गांव की है, कहाँ से है, काबरा गांव की, और ये एथलेटिक्स है मतलब दौड़ में है, ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया अभी, और अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना शुरू की गई इसके बाद, अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना। तो अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना सबसे पहले किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है या स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित परियोजना है, और ये UN की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक योजना है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभाग है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इस संचालित करने वाली है। तो भारत में इस योजना में जो राजस्थान में बीकानेर की जो वेटनरी कॉलेज है उसको शामिल किया गया है, सबसे पहले UN द्वारा शुरू की गई है, चिकित्सा से संबंधित है, और पशुओं प्लस मत्स्य दोनों, मछली और पशुओं दोनों के लिए है। आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब उसका उद्देश्य क्या है, तो जो पशु होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रतिजैविकता प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले ध्यान रखना UN द्वारा, UN का कौन सा विभाग, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में याद रखना है कि बीकानेर को जो वेटनरी कॉलेज है उसको शामिल किया गया है, और पशु और मत्स्य दोनों के लिए है, और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे पहले ये ध्यान रखना है 3रा चरण है, और 3रे चरण में राजस्थान जो सड़क बनाएगा वो है 8,663 किलोमीटर,
और अगर भारत के सभी जिलों की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है सड़क बनाने में, ये इस योजना के 33रे चरण में, ठीक है। और ये इसका कार्यकाल है वो 2019-20 से 24-25 तक 5 वर्ष का है, ठीक है। अब बात करते हैं किस योजना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। जो राजस्थान शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है या और भी अदर राजस्थान के कोर्सेज हैं उनमें निरोगी राजस्थान जो ये है योजना, इसको पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम राजस्थान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के अपार संभावनाएं हैं, तो इसमें है जैसलमेर। तो जैसलमेर में अभी नोक, जैसलमेर में कौन सी जगह, नोक में 925 मेगावाट का एक सोलर प्लांट जो दो कंपनी मिलकर लगा रही है। तो वो पहले तो कहाँ पे लगा रही है, नोक का, जैसलमेर कितने वोट का, 925 मेगावाट का, और कौन सी कंपनी, तो RSDLC और NTPC। तो RSDLC की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं, राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है। पहली बात तो यह है राजस्थान में सौर ऊर्जा की पवन ऊर्जा से ज़्यादा संभावनाएं हैं या क्षमता है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता है वो 1,42,000 मेगावाट की है, और जो पवन ऊर्जा की क्षमता है वो 1,27,000 मेगावाट की है। अब बात करते हैं राजस्थान में NTPC, NTPC जो थर्मल से रिलेटेड कार्य करती है भारत में, तो उनको भी राजस्थान विद्युत उत्पादन करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ उनकी हिस्सेदारी कितनी है, तो 2200 मेगावाट की हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं स्वच्छता रैंकिंग की, जो एयरपोर्ट की स्वच्छता की, एयरपोर्ट कितनी गंदगी है या नहीं है या कितने स्वच्छ हैं, तो उनके आधार पर रैंक जारी की जाती है, जिसमें भारत के 50 एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं, उनमें राजस्थान के जयपुर को तीसरा स्थान मिला है। और अगर छोटे हवाई अड्डों की बात करें और जिसमें ग्राहक सेवा से संतुष्टि कितनी ग्राहकों को मिली है, तो उसमें छोटे में जो उदयपुर का हवाई अड्डा है उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं जो इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण या इस जो अप्रैल माह में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है अभी एक सीएमएस COP 13 का आयोजन किया गया है। सबसे पहले ये कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया है। तो CMS के फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित प्रावधान करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसे जो है अभी पहले तो इसमें ये देख लेते हैं क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो तीन भारत के तीन जीवों को शामिल किया गया है जिनका संरक्षण करने के लिए आने वाले समय में संरक्षण किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व के 20,000 से अधिक वैज्ञानिक इसमें शामिल थे और ये कई तीन पिछले 3 वर्षों से इस पर अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक तो एशियाई हाथी और गोडावन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, गोडावन और बंगाल फ्लो रिवन, तो तीन भारत के शामिल किए जाएंगे। और अब बात करते हैं CMS क्या है पूरा, तो इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। अब सबसे पहले ये UN की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पर्यावरण संधि है। कौन सी संधि है, पर्यावरण एनवायरमेंट से संबंधित। अब ये किस प्रोग्राम के तहत चलाई जाती है, तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत 1971 में की गई थी, ठीक है। तो उसके द्वारा संचालित है और इसको बोन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और इस पर हस्ताक्षर या इसके जो वैश्विक संधि हुई थी वो 1979 में हुई थी, और फिर इसका जो प्रभाव में आई है शुरुआत की गई वो 1983 से की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला ध्यान रखना आपको कि राजस्थान का गोडावन इसमें शामिल किया गया है और दो अन्य भारत के जो जीव है वो भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं रील की, तो राजस्थान की राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। सबसे पहले रील की फुल फॉर्म याद होने जरूरी है, क्योंकि जो पटवारी या छोटे राजस्थान पुलिस के एग्जाम आते हैं उनमें इनकी जो फुल फॉर्म होती है वो अक्सर पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो रील को CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 2% होती है, जिसना जितना पूरे साल में मुनाफा हुआ उसका 2% आपको समाज सेवा में लगाना है, तो इसमें इसको बेस्ट जो कंपनी का अवार्ड दिया गया है। और अब एक राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मलाला यूसुफजई के साथ में, तो उनके द्वारा संचालित जो NGO है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, तो उनके दोनों ने मिलकर बच्चों को जो बाल अपराध होते हैं या यौन शोषण होते हैं या उनके प्रति जागरूक करने के लिए या उनसे निपटने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, तो उसका नाम है मुक्त करवा अभियान।
ये राजस्थान के 8 जिलों में चलाया जाएगा और इसमें राजस्थान पुलिस की भी भागीदारी शामिल है। अब बात करते हैं एक होनेस्टी शॉप नाम का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है JCI द्वारा, जो जयपुर में JCI द्वारा संचालित किया जाता है। तो उसमें 19 होनेस्टी शॉप हैं और इसमें लोगों में ईमानदारी की भावना में वृद्धि करने के लिए ये संचालित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है रूमा देवी जो अक्सर चर्चा में रही है, इन्हें शायद पद्म श्री पुरस्कार इस बार मिला है, पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। तो इन्होंने जो महिलाओं को खुद को सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। तो इन्होंने अमेरिका जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर संबोधित किया था, इसलिए ये चर्चा में है। तो अमेरिका की कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये रूमा देवी है, ये बाड़मेर की है, ठीक है। अब बात करते हैं मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव राजस्थान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और राजस्थान की सांस्कृतिक कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये महोत्सव है जो हर साल फरवरी में मनाया जाता है और इसका आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। तो ये किस विभाग द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। अब हैं राजस्थान के एक मंत्री जो अभी इंटरनेशनल टूरिज्म वोफर में जाके आए हैं, तो इसलिए चर्चा में हो सकता है या क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये कहाँ पर आयोजन किया गया। तो ये बर्लिन जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजन किया गया और ये विश्वेंद्र सिंह जी हैं तो ये वहाँ पर जाके आए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान आवास मंडल। तो राजस्थान आवास मंडल है उसको 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई है और अशोक जी गहलोत ने इस पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, तो उसका नाम है स्वर्णिम मंडल। तो आपको ये ध्यान रखना कि किसकी 50वीं जयंती, सॉरी स्वर्ण जयंती, तो राजस्थान आवास मंडल और उसके बाद में कौन सी पुस्तक स्वर्णिम स्वर्णिम मंडल और इसका गठन कब गया, ऐसा ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 24 फरवरी 1970 को इसका गठन किया गया। अब बात करते हैं निरोगी राजस्थान दिवस। तो निरोगी राजस्थान दिवस हर वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत राजस्थान की सरकार है जो अभी चल रही है, तो उनके एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर को शुरुआत की गई है और ये 10 बिंदुओं पर उत्कृष्ट कार्य करेगा। अब बात करते हैं धानक्या जयपुर, चर्चा में रहा धानक्या जयपुर जो जयपुर जाते समय जोधपुर जयपुर के रेलवे लाइन पे जो आता है धानक्या, तो वो चर्चा में क्यों है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक तो विचार विमर्श के लिए और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो भवन है उसका भी एक शिलान्यास किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया इस बार, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 4 से 10 फरवरी को और ये कौन सा इसका संस्करण था, तो 31वां, ठीक है। अब बात करते हैं कंगारू मदर केयर कॉन्फ्रेंस, तो ये जयपुर में आयोजित की गई और इसमें बच्चे को या शिशु को उनकी माँ की गोद में रहकर स्पर्श से उसका इम्यून सिस्टम में वृद्धि करना या रोगों से बचाना या उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उनसे समाधान करना, तो ये एक प्राकृतिक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। तो कंगारू मदर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जयपुर में। अब है इस्टोना 2020। सबसे पहले इस्टोना 2020 इस्टोना से संबंधित है, तो इस्टोना एक तो बेंगलुरु में होता है एक साल होता है जयपुर में, तो जयपुर में अब हो गया 2021 में, इस बार वाला 2020 वाला बेंगलुरु में हुआ है और इसका आयोजन जो जयपुर में कराती है वो रिको की एक संस्था है जिसका नाम है सिडोस, कौन है सिडोस वो करवाती है। अब काव्य सम्मान से संबंधित 2020 के पुरस्कार मिले हैं, तो एक तो गोविंद शर्मा जी को मिला है और जेबा रशीद और यश गोयल और शिव कुमार शर्मा। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको ऐसा पूछा जाएगा इनमें से किसको नहीं मिला है, 3 दे देंगे एक अलग दे देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान से याद करें। अब इसके बाद में एक पुस्तक इसमें से संबंधित जो दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं वो है, एक तो परिशिक्षित सिंह जी की पुस्तक है परमहंस लिखी उन्होंने पैसे पे, ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं, और एक नंदनी सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी है उसका नाम हाउस ऑफ बटरफ्लाई जो तितलियों के संरक्षण से संबंधित, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नंदनी सिंह की पुस्तक है हाउस ऑफ बटरफ्लाई। अब बात करते हैं अमृत हाट मेला जो इस बार जैसलमेर आयोजन किया गया है और इसके बाद में करते हैं वेणेश्वर मेला। तो वेणेश्वर मेला लगता है संत मावजी की याद में और ये आदिवासी कुंभ और आगढ़ का प्रयाग भी कहलाता है और इसका आयोजन जो है माघ पूर्णिमा को किया जाता है और इसलिए 3 नदियों के संगम पर स्थित है सोम माई जाकम। अब एक डिजी लॉकर क्या है, तो डिजी लॉकर में क्या जो जन्म और मृत्यु और विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र ये ऑनलाइन डिजिटल रूप में जारी करते हैं, तो इसको डिजी लॉकर नाम
दिया गया है। पुस्तक है, एक पुस्तक है जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो राजस्थान के राज्यपाल अभी नए बने हैं कालराज मिश्र, जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारत में उद्यमता, भारत में उद्यमता पुस्तक किसकी है, तो कालराज मिश्र जी की है, जो राजस्थान के नवीन राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं बाबूराव सैनी। तो बाबूराव सैनी जी हैं, ये हैं सीकर के सिरुमाधोपुर के हैं, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और ये सीकर के हैं, ठीक है, तो अभी इनका देहांत हो गया है। अब बात करते हैं 33वीं वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। पेज नंबर 34 पे चल रहे हैं, ठीक है। अब महाराजा सूरजमल जी की कौन सी जयंती मनाएगी, ऐसे क्वेश्चन पुलिस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये महान योद्धा थे जाटों में, तो इनका नाम, तो इनकी 314वीं जयंती अभी मनाई गई है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है धर्मपाल जारोली, प्रोफेसर या डॉक्टर धर्मपाल जारोली, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से 2013 में सेनानिवृत्त हुए थे। अब बात करते हैं टर्टल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में और पूरे देश में चर्चा में रही थी, और ये पुस्तक है राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, और इसलिए ये इस पर श्रीमान अशोक जी गहलोत ने जो SGST होता है वो टैक्स लगाना बंद कर दिया है और इसको मुक्त कर दिया है उससे, ठीक है। तो कौन सी मूवी है, टर्टल है, और जल संरक्षण पे मेन इम्पोर्टेंट ये है, जल संरक्षण से टर्टल समझ के आप ये सोच लो, कछुआ कछुआ से फिर पानी में रहता है, तो जल संरक्षण, ठीक है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अब राजस्थान की शायद 2 नदियां शामिल करने वाले हैं, तो उसका निरीक्षण करने के लिए जो आए हैं, तो उसमें कौन सी 2 नदियां हैं, तो चंबल और मेज नदियां। नमामि गंगे के लगभग 30 नदियों को शामिल किया गया है, और अभी तक इन नदी जोड़ों से संबंधित ही इसमें शामिल की जाती है। अब बात करते हैं जल शक्ति अभियान में जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होती है वो 50-50 होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और वीडियो अच्छा लगा तो सच में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, टेक केयर।